आजकल जिंदगी बेमजा होते जा रही, कई को बोले तो तरकारियां, खासतौर पे टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहा। पेश है रियल न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी की एक दिलचस्प रिपोर्ट। हैदराबादी सालनों में सबसे ज्यादा जो सब्जियों का इस्तेमाल होता वो है प्याज और टमाटर, मगर ये दोनों सब्जियां बेभरोसा है। कभी ये गली के लीडर के जैसा गली गली के हो जाते, कभी इलेक्शन में ठहर के इत्तेफाक से जीत गए तो पहुंच से बाहर हो जाने वाले लीडर के जैसा हो जाते। इलेक्शन जीत के मिनिस्टर बन जाने वाले लीडर के जैसा आजकल टमाटर भी दूर से देखने की चीज हो गए हुए है। ये भी अजीब इत्तेफाक की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी इंडिया से बाहर जाते, टमाटर अपने में से बाहर हो जाते। टमाटर का देखा देखी बिनिस की फली भी नखरे दिखाने लग जाती, आलू भी अपनी अहमियत जताने लग जाता, यहाँ तक के बैगन भी अपनी चमक और रंगीनी की कीमत वसूल करने पे तुल जाता। सो अब तरकारियां महंगे हो जाते। नरेंद्र मोदी एक महीना पहले तक भी कहीं जा रहे थे न आ रहे थे, सो अब अच्छा चल रहा था। टमाटर सिर्फ 10 रुपए किलो मिल रहे थे। मोदी जैसा अमेरिका को गए, वहाँ पे उनका शानदार खैर मकदम हुआ, यहाँ टमाटर अपनी शान दिखाने लगा, अचानक 40 रुपए किलो बिकने लगा। उन्होंने 3 मुल्कों का दौरा करके आए तक 60 रुपए किलो हो गया। अब उन्होंने इसराइल को गए हुए हैं, वहाँ पे उनका जबरदस्त वेलकम हो रहा। इधर टमाटर फिर अपनी कीमत बढ़ाने पे तुला हुआ है, मंडी में 60 रुपए और मंडी पे 80 रुपए किलो हो गया हुआ है। नरेंद्र मोदी इसराइल से जर्मनी जाने वाले हैं। जर्मनी में उनका स्वागत देख के टमाटर को और जलन होके 100 रुपए किलो हो जाता कि क्या है कि असल में टमाटर भी चाह रहा हूँ, उन्हें भी पहुँच से दूर हो जाना, कभी कभी हाथ लगना, घर खुलाए तो उसको देख के घर के लोग खुश होना, उसका स्वागत करना। टमाटर की आरजू तो खैर पूरी हो जा रही, उसकी अहमियत बढ़ते जा रही, मगर आम आदमी की हालत महंगाई के तरफ से बिगड़ते जा रही। लोग गा रहे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मोदी कब तभी बाहर कम इंडिया में ज्यादा रहते की, कब तभी टमाटर काबू में आता की। मगर कांग्रेस के अजय माकन बोल रहे मोदी के 64 मुल्कों के दौरे से इंडिया को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ नहीं हुआ ये तो हमारे को नहीं मालूम, टमाटर सस्ते हो गए तो बस है।